और क्या हाल है टेक्टिव फैमिली, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है एक ब्रांड न्यू गेम, इसका नाम है कंप्यूटर रिपेयर शॉप। और ये गेम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बाकी सब गेम से, और नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यहाँ पे बेसिकली हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलने वाले हैं जिनको हम रिपेयर करके बेचेंगे। किसी किसी कंप्यूटर्स के ग्राफिक्स कार्ड खराब होंगे, किसका सीपीयू खराब हो सकता है और किसी का मदरबोर्ड, तो उन सबको हम रिपेयर करेंगे और उनको ऊंचे दाम में बेच के काफी सारे पैसे कमाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक हॉस्टल रूम है। ओ कितना बड़ा हॉस्टल रूम है भाई, बहुत छोटा जगह है, मजाक कर रहा था। और यहाँ पे सब कपड़े सुखाता हूँ मैं, यहाँ पे सोने के लिए बेड भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए मैं भी। तो ये हमारा किरायादार है जो हमसे डेली $50 लेता है क्योंकि हम इसके घर पे रह रहे हैं। और देखो ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाथरूम में रह रहे हैं, वो सब छोड़ो। और यहाँ पे लिखा यू कैन गो टू द शॉप बाय फॉलोइंग द शॉप इमेज ऑन द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा शॉप का वो आइकन दिख रहा है, तो मे भी हमको वहीं पे जाना है, तो चलते हैं चलो। और पता नहीं भाई ये कौन सी इतना छोटा सा जगह है, इतना कंजेस्टेड ये है क्या? ओके, तो बेसिकली हमारा अरे अरे क्या हो गया भाई, अरे भाई हेलो, अरे मार रहे हैं भाई, भाई मेरा शॉप है, आप लोग क्या कर रहे हो उधर? अरे 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 मार दिया क्यों? Ask the muscular man for help to get rid of the raiders. Okay, 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 okay. तो हमको basically इसकी help लेनी पड़ेगी ताकि ये जाके उसको मारे। इसका नाम है steroid man. Okay. If you pay me $50, I will give you a baseball bat and I will help you to beat them. Okay, pay. तो अब मैंने hire कर लिया एकदम muscle man, ठीक है तगड़ा वाला। अब चलो भाई, अब देखते हैं कौन कब्जा करता है। चलो अब बताता हूँ बदमोशी किसे बोलते हैं। आ जाओ, जा भाई मार उन्हें, मार मैं मारता हूँ, छोड़ ये ले, ये ले। मेरा muscle man कहाँ गया? हट, मर गया सब। वाह मेरा मसल मैन भी मर गया, वाह कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हमारा शॉप हो चुका है खाली, हम बैठ को यहाँ पर रख सकते हैं ताकि अगर और कोई अंदर आए तो उसको पीट पीट के उसका काम दवाम कर दूं मैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा शॉप हो चुका है खाली, ठीक है, जिन्होंने कब्जा किया था उनको हमने बाहर फेंक दिया है। तो फटाफट से अभी हम अपने शॉप को साफ करते हैं ताकि अच्छे कस्टमर्स आ सके और मुझे काम दे सके। लेट्स गो। पहले ये सब कचरा साफ करते हैं, ये दीवार में पता नहीं क्या ही क्या फोटो बना रखा है, ये सब पहले साफ करते हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना के रखा है इन्होंने, ठीक है, इसे भी साफ करते हैं। आ जाओ, दीवार तो हमने साफ कर दिया है, अब बाकी ये जो नीचे पड़े हैं गंदे इनको साफ करने की, चलो फटाफट से इनको साफ करते हैं। और बाकी जो सब कैन वगैरह पड़े हैं, ओके 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 ओके, ऐसे हम ट्रैश क्लीन कर सकते हैं। ओके गॉट इट, ये सब क्लीन कर देते हैं। ये पता नहीं टॉयलेट पेपर वगैरह पता नहीं क्या क्या फेंक रखा है भाई इन्होंने, पहले साफ कर देते हैं फिर ये ट्रैश क्लीन करते हैं, ठीक है। ये सब नीचे का कूड़ा कचरा सब साफ कर देते हैं ऐसे ताकि थोड़ा दुकान अच्छा दिखे, समझ रहे हो। ओके, मे बी ये पहले वाला कमरे का फ्लोर साफ हो चुका है और थोड़ा सा बाकी रह गया है, अंदर वाला कमरा भी थोड़ा साफ कर देते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं बेसिकली। वेट फॉर, ओके यहाँ पे हमारा शॉप क्लीन हो चुका है, प्लीज वेट फॉर द कस्टमर टू अराइव। ओके ओके, तो अभी हमको हाथ जोड़ के वेट करना पड़ेगा ताकि कोई कस्टमर आए और हमको हमारा काम दे और फिर हम थोड़े पैसे कमा सके। ओके ओके ओके, हमारा पहला कस्टमर आ चुका है गाइस, लेट्स गो। ये बिल्ली भी आ चुकी है अंदर। ओके, तो ये हमारी पालतू बिल्ली है, गॉट इट। आ जाओ, इसको रखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक नोट भी है, आई बॉट दिस कंप्यूटर लास्ट वीक फ्रॉम ए शॉप सेलिंग स्टोलन गुड्स बट इट वोंट बूट अप, द गाय सेलिंग इट सेड ऑल द पार्ट्स वर्क्ड, द थीफ सेड कंप्यूटर वाज टर्नड ऑन व्हेन ही स्टोल इट, कैन यू प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके ओके, तो ये कंप्यूटर चोरी किया है, किसी ने इसको चोरी करके लाया है, ठीक है। वाह क्या ही शॉप है, तो लोग यहाँ पे चोरी किए हुए कंप्यूटर लाके दे रहे हैं और बोल रहे हैं इसको ठीक कर दो। तो इसके अंदर सीपीयू है, कोर i5 जनरेशन वाला सीपीयू है और डिस्प्ले कार्ड भी है HHD, इसमें पावर सप्लाई नहीं है। ओके ओके ओके, इसमें मदरबोर्ड है, HHD है, एक पावर सप्लाई लगेगा, तो हम इसमें पावर सप्लाई लगाएंगे, ठीक है, दोनों राम में से एक राम तो है, ठीक है। तो बेसिकली ये बूटअप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं पावर सप्लाई खरीदते हैं। कहाँ से हम खरीद सकते हैं पावर सप्लाई? टैब से हम पावर सप्लाई ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ से? वेलकम टू Amazon, Amazon सुनते हैं, Amazon क्या है? ओके ओके, क्या ऑर्डर कर सकते हैं हम? डिस्प्ले कार्ड, HHD, ओके पावर सप्लाई, गॉट इट। कौन सा पावर सप्लाई? हमारे पास टोटल अभी $950 है, ठीक है। तो हमको, मैं सोच रहा हूँ कि एक सस्ता सा पावर सप्लाई इसको चिपका दूं, तो ये $100 वाला इसको हम ऑर्डर करते हैं। लेट्स गो कंप्लीट द ऑर्डर। ओके, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कब वो ऑर्डर आए और तब तक हम थोड़ा घूम लेते हैं। ओके भाई कौन सी एरिया है भाई, पूरा स्लम लग रहा है ये तो, पता नहीं कहाँ कहाँ गलियां। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। ओके, मे बी हमारा पार्सल यहीं पे आएगा, गॉट इट। अरे ये देखो हमारा पार्सल ड्रोन लेके आ गया भाई, भाई इतना एडवांस है या फिर पता नहीं भाई भगवान जाने, अगर इतना एडवांस है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं है। तो इसको खोलते हैं और इसके अंदर ये रहा हमारा पावर सप्लाई। ओके, तो इसको लेते हैं और फटाफट से सीपीयू के अंदर फिट कर देते हैं। आ जाओ, इसको लेके यहाँ। ओके गॉट इट, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को फिट कर दिया है। तो अभी कंप्यूटर खोलते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। भाई ये कौन सा कंप्यूटर है, मैट्रिक्स का है क्या भाई? पता नहीं कौन से जमाने के कंप्यूटर लेके आए भाई ये, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, कंप्यूटर ऑन हो चुका है, इसको लेते हैं, इसको पैकिंग करते हैं, लेट्स गो। तो पैकिंग होता है, यहाँ पे पैकिंग होता है, ठीक है। इसको हमको ओके यहाँ पे रखना पड़ेगा और स्क्रीन पे जाके पैकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो इसपे हम हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है $200, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये हो गया। आ जाओ, इसको हमने कर दिया पैक। ओके ओके, पोस्ट ऑफिस में ये कार्गो डिलीवर करना है। ओके गॉट इट, मैडम जी ये लीजिए। ओके ओके, चलो ये डिलीवर हो गया। ओके ओके, हमारा नया कस्टमर आ गया गाइस, लेट्स गो लेट्स गो। ओके, ये टकला हमारा नया कस्टमर है। अरे ये तो ओके, कोई बात नहीं सर, क्या क्या प्रॉब्लम है? ओके, क्या कैन नॉट एंटर Zornhub? ओके हाँ, तो ठीक है सर, मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप जाइए।
हाँ ओके ओके गॉट इट। तो बेसिकली इनका कंप्यूटर खुल नहीं रहा है, कुछ वायरस वगैरह आ चुके हैं और इनका इनको अपना पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इनका पासवर्ड वगैरह सब ठीक करना पड़ेगा ताकि आप ये अपना कंप्यूटर यूज कर सके। आई कैंट गेट इन टू जॉर्नब, हेल्प मी एंड कैन यू क्लीन माई कंप्यूटर, आई हैव ए पासवर्ड ऑन माई कंप्यूटर बट आई डिडंट। ये खुद का इसका खुद का कंप्यूटर है और इसको अपना पासवर्ड याद नहीं है, वाह। तो बेसिकली हमको इसका कंप्यूटर क्लीन करना है और इसका पासवर्ड क्रैक करके इसको देना है और एक एंटीवायरस डालना है इसके अंदर ताकि इसका कंप्यूटर खराब ना हो। तो इसको कंप्यूटर को क्लीन करते हैं। भाई कितना कितना मेला था भाई, पता नहीं कितने सालों से नहीं धोया इसने। तो ये हो चुका है क्लीन, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अभी फटाफट से कंप्यूटर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसका कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है जो हमको नहीं पता है। ओके, इसको शट डाउन कर देते हैं अभी के लिए। और ऊपर लिखा है क्रैक द कंप्यूटर पासवर्ड यूजिंग द पासवर्ड क्रैकर प्रोग्राम ऑन द फ्लैश ड्राइव। ओके ओके, यहाँ पे हमारा ये फ्लैश ड्राइव है, इसको यूज करके हम इसका क्रैक कर सकते हैं पासवर्ड। ओके गॉट इट, हमने लगा दिया फ्लैश ड्राइव। अभी हम खोलते हैं कंप्यूटर को और इसका पासवर्ड को क्रैक करते हैं। चलो, यूज द पासवर्ड क्रैकर प्रोग्राम। ओके, ये रहा पहला वाला, ओपन क्रैक। और यहाँ पे इसका पासवर्ड क्रैक होते हुए पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, नीचे पासवर्ड रिवील हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई ये पासवर्ड इसको याद नहीं रहा था, सीरियसली। ओके, तो हम ये पासवर्ड डाल के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओ खुल गया। कैनॉट एंटर जोन ऑफ स्कैन फॉर वायरस एज ए सोल्यूशन, इंस्टॉल द AVR ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लैश ड्राइव। ओके ओके, मिल गया हमको AVR। तो ये जो AVR है एंटीवायरस है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है बेसिकली। चलो, तो ये इंस्टॉल हो रहा है इसके कंप्यूटर के अंदर और ये होने के बाद जो हमारा वेबसाइट है जॉर्न वो उसके कंप्यूटर में इजिली खुल जाएगा और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हम एक वायरस स्कैन कर रहे हैं इसके वहां से। तो यहाँ पे वायरस स्कैनिंग प्रोसेस में, तो देखते हैं इसके अंदर जो रेड रेड है बेसिकली यही सब वायरस है शायद। ओके, तो देखते हैं कितने वायरस हैं भाई, कितने सारे हैं यहाँ पे वायरस। और लिटरली इसके कंप्यूटर में 300 वायरस थे, सीरियसली। भाई पता नहीं ये बंदा क्या करता है ऐसा। ओके, यहाँ पे सब इसका जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ मतलब मैंने सॉल्व कर दिया है। और नीचे देखो क्या लिखा है, दिस इज कॉपी ऑफ OS, विंडोज भी मतलब निकली है भाई, वाह। ओके, तो ये हमारा अभी खत्म हो चुका है, इसको हमने ठीक कर दिया है, ठीक है। और चलो इसको दे देते हैं, ये लीजिए सर, यू एक्सीडेंटली लॉस्ट द फ्लैश डिस्क। ओ भाई फ्लैश डिस्क मैंने नहीं निकाला भाई, मेरा फ्लैश डिस्क। अरे भाई मेरा फ्लैश डिस्क दो भाई। अबे यार यार मैंने गलती से वो पेन ड्राइव नहीं निकाला, उसने मेरे को पैसे भी नहीं दिए भाई। अरे ये कपड़े पहनो मैडम यार, कोई बात नहीं, वो हम बाद में भी खरीद सकते हैं वो फ्लैश डिस्क, वहाँ पे जाके शॉपिंग से कहीं यहाँ पे हम ऑनलाइन उस फ्लैश डिस्क को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन उसने हमको अपने पैसे भी नहीं दिए भाई। ओ यार मैं लिटरली सो गया, अरे इसने हमारे पैसे चुरा लिए क्योंकि हम सो गए थे भाई। ये कैसी जगह है भाई, भाई तो स्कैम है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले दिन मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है क्योंकि वो जो हमारा सेकंड कस्टमर था उसने मेरे को पैसे नहीं दिए और गलती से उसके CPU में मेरा पेन ड्राइव छूट गया जिससे मैं उसके वायरस क्लीन कर रहा था और गलती से मैं स्लीपी फील कर रहा था इसलिए मैं अपने दुकान के अंदर ही सो गया। और फिर रात को एक चोर आके हमारे पॉकेट से $220 चुरा के ले गया। इतना बड़ा स्कैम पहले ही दिन में, और पता नहीं मैं आगे क्या करूंगा। अगर आप लोगों की एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर ऑन करना ताकि आप लोग ऐसे वीडियोस मिस ना करें। तो मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी या।